आप भी घर और किचन के काम करके बोर हो चुके हैं तो चलिए अपनाइए कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स जिन्हें करते हुए आपको मजा भी आएगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी, क्योंकि डेली ही जब हम एक काम करते हैं ना तो सच में हम बोर हो ही जाते हैं। पहला स्पेशल टिप मेरा किचन से जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे किचन में ना कुछ काम चलता ही रहता है। मेरे किचन में भी थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा मेरे हस्बैंड देख लेंगे, पर यहाँ जब मैं आई तो मैंने देखा पूरे किचन काउंटर खराब हो चुका था, जो स्लैब था वो खराब हो चुका था। तो हमने क्या किया कि जैसे ही काम खत्म हुआ सीमेंट का एक दाग भी ना रहे इसके लिए हाथों हाथ ही सफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो कोशिश कीजिए अगर आपके घर में भी कुछ इस तरीके का काम चल रहा है तो दूसरों के भरोसे ना बैठा रहे कि वो ठीक कर देंगे, नहीं करते हैं। वर्कर्स अपना काम करते हैं चले जाते हैं, उसके बाद में जो घर होता है वो काफी ज्यादा गंदा हो चुका होता है। तो आप मेरा किचन काउंटर देख सकते हैं, मुझे इसे साफ करने में लगभग 2 घंटे लग चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा कुछ भी काम चलता है उससे पहले अपने घर के सामान को अच्छे से कवर करके रख दे। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। हमारे किचन में बहुत बार खाना बनाते वक्त अक्सर कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे कि आज मैंने दाल रखी और ये दाल भी सीटी लगाते हुए पता ही नहीं चला कितनी सीटी आ चुकी है और जल गई है। तो इस तरीके से अगर बर्तन जल जाता है, कुकर ही सही या कोई और बर्तन, तो घबराइए बिल्कुल मत। आप नॉर्मल इसमें टैप वाटर डाल दीजिएगा जब तक जला हुआ है, उसके बाद भी ये जो डिश वॉश जेल होता है या बर्तन धोने का सोडा यूज करते हो या साबुन यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो, एक चम्मच इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो बर्तन लिक्विड तो मैंने आधा चम्मच ही लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ये जो बर्तन है ये बहुत ज्यादा जला हुआ भी नहीं है, इसलिए मैंने आधा चम्मच ही लिया है। अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा जला हुआ है और इंस्टेंट आपने क्लीन करना है तो आपने यहाँ थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर लीजिएगा। जो जली हुई परत है ना उसको अच्छे से बढ़िया से ये फुला देता है। जैसे कि मैंने कहा कि बर्तन ज्यादा जला हुआ नहीं है तो सिर्फ मैंने यहाँ बर्तन लिक्विड का ही यूज किया है। इसके बाद में आपने इसे गैस पे रख देना है। पहले इसे हाई फ्लेम पर एक बॉइल आने दीजिएगा। जब एक बॉइल आ जाएगा उसके बाद में आप सेम फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है। वैसे तो हम ऐसे भी पानी डाल के अगर छोड़ देंगे तो क्लीन हो जाता है, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है, रात भर के लिए आपको बर्तन को छोड़ना पड़ेगा। पर ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूं ना, इसमें आपका बर्तन 10 मिनट के अंदर ही क्लीन हो जाएगा। 10 मिनट पहले ये बर्तन इतना जला हुआ था कोई कह ही नहीं सकता है। तो जितनी भी दाल है वो सारी की सारी फूल के ना ऊपर आ चुकी है पानी में। इसे मैं हटा के आपको दिखाऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अभी साफ नहीं हुआ है तो चलिए मैं आपके सामने इसे करके दिखा रही हूँ। तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अभी भी जला हुआ ही है। तो देखिए मैंने कोई स्क्रबर यूज नहीं किया है, बस मैं अपने हाथों का ही यूज कर रही हूँ। हल्का सा जैसे हम किसी चीज को मलते हैं या मसाज करते हैं उस तरीके से बस हल्का सा हाथ आप चलाएंगे ना, आप देखेंगे जितनी भी जली हुई परत है ना ये निकल रही है। तो मैंने यहाँ कुछ भी यूज नहीं किया है, नॉर्मल अपने हाथों से ही हल्का सा बस इसे मला है और जितना भी ये जला हुआ पार्ट था ना सारा का सारा निकल गया है। तो है ना ये कमाल का सॉल्यूशन। अगर आपने पहले कभी इस तरीके से बर्तन क्लीन नहीं किया है तो करके देखिएगा, बहुत ही आसान से ये ट्रिक है। बर्तन चाय का हो, दूध का हो, या इस तरीके से दाल रोटी किसी भी बर्तन जो कि जल गया है उसे साफ करने के लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा और अगर घर में बड़े हैं तो उनकी डांट से भी आप बच जाएंगे। चलिए मैं इसे और क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए लगभग लगभग जो कुकर है वो क्लीन हो चुका है। अब नॉर्मल आप जिस तरीके से बर्तन क्लीन करते हैं क्लीन कर लीजिएगा। ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान करती है, और जो काम आप डेली कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिएगा, आपको किचन में काम करने में इंटरेस्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं और अगला यूजफुल टिप। हमारे घर में कॉइल का यूज होता है, बहुत बार ये कॉइल गिर जाती है तो इस तरीके से टुकड़े टुकड़े ये बिखर जाती है। इसके बाद हम इसका यूज नहीं करते हैं, में आती भी नहीं है, बहुत बार ये पड़े रहती है या फिर हम इसे फेंक देते हैं। इसे आप फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। कोई से भी ऐसे कंटेनर ले लीजिए, ग्लास बाउल जिसका अभी आप खाने पीने में यूज नहीं करते हैं, तो ये वाली जो कटोरिया है मैं इनका खाने में यूज नहीं करती हूँ। मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेस किया था पर इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार है इसलिए मैं इसे खाने में यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद में नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो मैंने लिया है, इन्हें आपने डिप कर देना है। अब आप इसे घर के उन कोनों में रखिए जहां आपको मच्छर दिखते हो या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ रात के टाइम मच्छर इकट्ठा होते हैं और
बाद में निकलकर हमको काटते हैं। ऐसा घर का कोना जरूर होगा, अलमीरा के पीछे हो सकता है, टेबल के नीचे हो सकता है, वॉशरूम में भी ऐसी जगह होती है, वहां आप रख दीजिएगा। अगले सफल हैक मेरा पुदीने से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ ना अभी से बारिश का मौसम हो चुका है, 5 दिन से लगभग कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो कह सकते हैं कि बारिश का मौसम आ चुका है। तो अभी ना आपको मार्केट में पुदीना मिल रहा होगा, इस पुदीने का आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। पुदीना आप मार्केट से ले आइएगा, इसकी जो पत्ती है वो आप निकाल दीजिएगा। मैं दिन में खरीदा था, शाम तक ये मुरझा चुका है। आपने इसके डंठल ले लेना है, कटिंग वटिंग कुछ नहीं करना है, जैसे ये आते हैं बस वैसे ही आपने इसको पानी के अंदर रख देना है। तो यहाँ पर मेरे पास 15 से 20 टहनियां हैं, इनको मैं पानी के अंदर डाल दूंगी। अब आप देखेंगे अगले 5 दिन में इन टहनियों में जड़े या जो इनकी रूट है वो डेवलप्ड होगी। इसके बाद में आप इसे मिट्टी में लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए। अब आप देखेंगे घर बैठे ही आपको पुदीना मिल जाएगा। मैं इस ट्रिक को हर साल यूज करती हूँ, काम करती है, 100% आपको रिजल्ट देगी। बस आप ना 5 दिन वेट कीजिएगा, पानी हो सके तो चेंज कर दीजिएगा, इसमें रूट अपने आप आ जाती हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा सुई धागे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों की आई साइड वीक होती है, उन्हें धागा डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरी भी आंखें काफी ज्यादा कमजोर है, मुझे भी धागे डालने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तब हमें ऐसे कोई ट्रिक पता होनी चाहिए कि हमारी आई साइट वीक है या हमें बहुत जल्दी में भी धागा डालना है सुई में तो आसानी से चला जाए, क्योंकि इसे डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। तो देखिए मैं भी यहाँ डालने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं जा रही है, क्योंकि सुई थोड़ी छोटी ही मैंने आपको दिखाई है ताकि आप भी क्लियर से देख पाए कि इतनी छोटी सी सुई में भी आप आराम से धागा डाल सकते हैं। सुई को आप साइड में हटा दीजिए और यहाँ पर झाड़ू का एक पतला सा धागा आप निकाल लीजिएगा। आप इसे धागा बोल सकते हैं, रेशा बोल सकते हैं, ये आपने लेना है। हमारे घर में जो झाड़ू वगैरह होती है ना उसमें ये पतले पतले रेशे जरूर होते हैं, ये आपने निकाल लेना है। इसके साथ ही हमें एक और चीज चाहिए, ये है सेफ्टी पिन। कोई सा भी सेफ्टी पिन ले लीजिए जो आप अभी फिलहाल में यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेफ्टी पिन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई से भी पेन भी आप ले सकते हैं, कोई से भी तीखी चीज या पुराना नेल कटर है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बड़ा सा सर्कल या बोल सकते हैं एक अंडे जैसा आपने बनाना है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फिंगर की मदद से अटकाना है। अब आपने यहाँ लेना है सेलो टेप। सेलो टेप से हमें इसे स्टिक कर लेना है या चिपका लेना है। आप यहाँ डबल टेप का भी यूज कर सकते हैं। सेलो टेप का यूज करेंगे तो आप देखेंगे अच्छे से चिपक जाता है। ये एक हमारा परमानेंट टूल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर अगर आपके पास झाड़ू का ये पतला सा धागा या रेशा ना हो तो आप यहाँ पर वायर के अंदर निकलने वाले पतले जो वायर होते हैं ये बहुत पतले से एक पीतल का तार होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। वो भी बहुत ज्यादा मजबूत आता है, उसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको सालों तक वापस इस टूल की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस टूल के जो हिस्सा है उसको इस तरीके से सुई के अंदर डालना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में हमने इसके अंदर धागा डालना है, सुई के अंदर धागा नहीं डालना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है या जो होल है वो काफी बड़ा होता है तो आराम से धागा चला जाता है। इसके बाद में आप सुई को निकाल लीजिए। ये देखिए है ना आसान सा ट्रिक, मुझे ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इससे है ना हम आराम से सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख लेते हैं आज का एक और बहुत ही कमाल का यूजफुल टिप। आपके घर में टोस्टर का आप यूज करते हो या कोई सा भी नॉनस्टिक बर्तन जिसका आप यूज करते हो तो क्या आपने देखा है कि इसके अंदर खाना चिपक जाता है या जल के इस तरीके से रह जाता है। हम लोग क्या करते हैं स्क्रबर का यूज करते हैं। तो नॉनस्टिक तवा हो या कोई सा भी नॉनस्टिक बर्तन हो या इस तरीके से आपके पास टोस्टर ही क्यों ना हो, कभी भी इसके ऊपर आपने स्क्रबर का यूज नहीं करना है। आप एक काम फिर से कीजिए, आपने फिर से प्लग लगाना है और इसे थोड़ा सा गर्म करना है। अगर नॉनस्टिक कोई बर्तन है तो उसे आपने फिर से गर्म करना है। फिर आप टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई सा भी इस तरीके का सॉफ्ट कपड़ा जिसे माइक्रोफाइबर कपड़ा भी कहते हैं ये आप ले लीजिएगा और इसके बाद में वाइप कीजिएगा। आप देखेंगे कितना भी जला चिपचिपा या चिपका हुआ या तेल के दाग क्यों ना हो वो सारे के सारे ना आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ तो मैं आपको टोस्टर पे यूज करके बता रही हूँ। इस टोस्टर को बस मैंने हल्का सा गर्म किया, ये माइक्रोफाइबर क्लोथ लिया और बस इस तरीके से वाइप किया, जितना भी जला हुआ सैंडविच का चीज था वो सारा का सारा बहुत आसानी से बाहर निकल के आ चुका है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई सैंडविच मेकर है या नॉनस्टिक बर्तन है जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं तो यही ट्रिक को आप यूज कीजिएगा। पहले उस बर्तन को आप गर्म कर लीजिए, अगर इस तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो
आप इस ट्रिक से माइक्रो ओवन को भी क्लीन कर सकते हैं। माइक्रो ओवन को भी पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर एक माइक्रोफाइबर क्लोथ लीजिए और वाइप कर दीजिए। जितने भी दाग धब्बे हैं या जो भी उसके अंदर खाना गिरा हुआ है जो कि जल चुका है, वो आराम से क्लीन हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपकी घर और किचन के काम को आसान बनाती है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।